हेलो दोस्तों, मैं अनुज और आज फिर से मैं आपके अपने परिवार सक्सेस पिक्स में आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं, तो मैथ पढ़ाता हूं और रीजनिंग, तो आज हम क्या मैथ पढ़ने वाले हैं और मैथ में आज हम क्या टॉप 20 सीरीज, क्या टॉप 20 सीरीज, जिसका मतलब क्या होता है टॉप 20 सीरीज, यानी कि आपके टॉप 20 सीरीज में 20 ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं जिसमें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ वैल्यू के हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपके एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्या बहुत महत्वपूर्ण होते हैं? और जो हमारे क्या प्रीवियस ईयर, यानी कि क्या प्रीवियस ईयर्स में, क्या प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन होते हैं जो हमारे कितने पिछली बार पूछे जा चुके हैं, जैसे ग्रुप डी 2018, एनटीपीसी 2017 वगैरह वगैरह पूछे जा चुके हैं। और यह क्लास हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? यह क्लास हम क्या, यह क्लास हम आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, क्या एंड ग्रुप डी के लिए हम यह क्लास पढ़ रहे हैं, क्या एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए क्लास पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम खर्च करिए। और हाँ, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब यानी सक्सेस फिक्स से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपका एक फायदा होने वाला है। और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। क्या आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पढ़ें और समझें और उसका क्या आंसर दें, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। क्या आराम से पढ़िएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है यदि किसी ईंट के 3/5 भाग का वजन, क्या यदि किसी ईंट के 3/5 भाग का वजन, क्या पूछा हमने, क्या वजन कितना दिया है, 9.9/10 kg, कितना 9/10 kg दिया है। तो हमसे पूछा क्या गया है, तो उस ईंट के, तो क्या उस ईंट का क्या 8/15, क्या 8/15 भाग का, क्या भाग का वजन बताइए कितना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्या होगा जब आपको पता है 3/5 भाग का, क्या 3/5 भाग का कितना दिया, 9/10, तो एक भाग का कितना होगा, एक भाग का क्या होगा 9/10/3/5, क्लियर दोस्तों। तो अब आप इसे क्या लिख सकते हो, 9/10 × 5/3, क्लियर दोस्तों। तो अब उनने पूछा क्या है, अब उनने हमसे क्या पूछा है कि 8/15 भाग का वजन बताइए, यानी कि 8/15 भाग का आपको वजन बताना है। तो आपको क्या पास क्या है, 9/10 × 5/3 × क्या हो जाएगा 8/10, सॉरी 8/15। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो 5 × 5, 5 × 3 = 15, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, तो क्या होगा 3 × 3 = 9। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, तो कितना हो जाएगा आपके पास 4/5, तो क्या आ जाएगा 4/5 kg वजन आ जाएगा, कितने भाग का 8/5 भाग का। तो आपके पास क्या पहले नंबर का ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या ए वाले आंसर, ए वाले क्वेश्चन का 1/4/5 kg आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है, आपसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें, क्या कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास, सेकंड नंबर क्वेश्चन को आप समझें, पढ़ें और उसका आंसर दें, क्या पढ़ें समझें और उसका आंसर दें सही से, क्या पढ़ें समझें और आंसर दें। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास कि एक वृत्त का व्यास, तो आप सबसे पहले क्या करना है आपको, एक वृत्त यानी सर्कल बनाना है, क्लियर दोस्तों। एक वृत्त का व्यास AD है, क्या एक वृत्त का व्यास AD है, क्या AD है,
क्या एक वृत्त का व्यास एडी है तो आगे क्या पूछा है, और चाप एबी है, क्या चाप एबी यानी ए से बी तक खींचेंगे तो आपके पास क्या एक चाप बन जाएगी। तो अगर हम यहां पर इसका क्या मान लेते हैं, केंद्र मान लेते हैं, क्या केंद्र मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या एक लाइन खींच देंगे तो क्या बन जाएगी, ओ बी। अब आपके आपके साथ क्या कहा गया आगे, तो ए डी की वैल्यू कितनी दी है, ए डी की वैल्यू 34 सेंटीमीटर दी है, क्या ए डी की वैल्यू 34 सेंटीमीटर दी है और ए बी की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दी है। ए बी की वैल्यू कितनी 30 सेंटीमीटर दी है तो वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी कितनी होगी, यानी वृत्त के केंद्र से ये वाली दूरी पूछी है, क्या वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी पूछी है, या वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी पूछी है। तो आइए देखते हैं क्या, तो वृत्त यानी ए डी जो क्या हमारे पास व्यास है, व्यास कितना दिया आपके पास 34 सेंटीमीटर। तो आपको पता है अगर इसकी त्रिज्या कितनी होगी, रेडियस कितनी होगी, तो 34/2 यानी कि 17 सेंटीमीटर, तो इसकी कितनी आएगी 17 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों, अब ऐसे यहां पर निकालेंगे तो इसकी कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों, तो अब क्या आ गया 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो अब आपसे क्या पूछा गया है, ये ए बी की वैल्यू पूछी है, तो क्या होगा ए बी का स्क्वायर बराबर, क्या ए बी का स्क्वायर बराबर, क्या जे आधार का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर माइनस, अब इसे इधर स्क्वायर डालेंगे तो इधर रूट आ जाएगा -15 का स्क्वायर। क्लियर दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। अब क्या होगा 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, क्या 225। अब इसे आपस में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 और 8 में से 2 जाएगा 6, तो कितना बचेगा 64। तो आपको पता होगा कि ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, तो केंद्र से ए बी की दूरी कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, केंद्र से ए बी की दूरी कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, यानी कि आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको यह समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या क्या किया और आपको सही से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। और जहां तक कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको अगले क्लास में करवा देंगे, क्या उसका सॉल्यूशन हम आपको अगली क्लास में करवा देंगे। तो आइए, और आप बताइएगा कि अगर आपको अच्छी क्लास लग रही है तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्या अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब या हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, जिससे कि इन फ्यूचर में आपका ही फायदा होने वाला है, क्या आपका ही फायदा होने वाला है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास, आपकी स्क्रीन पर है, आपने पढ़ लिया होगा, क्या आपकी स्क्रीन पर है और पढ़ लिया होगा, क्या क्या दिया है, एक महल निजी संग्रहालय का प्रबंधन करता है, नीचे दी गई तालिका इसमें एक सप्ताह के आगंतुकों की सूची दर्शाता है, यानी कि आपके पास क्या दिन दिया है, क्या दिन दिया है और क्या आगंतुकों की संख्या, आगंतुकों की संख्या आपके पास क्या आगंतुकों की संख्या दिया है, क्या पूरे सप्ताह के दिन दिए हैं, क्या मंडे, मंडे में कितने आए हुए हैं आपके पास, क्या मंडे में, फिर आपके पास क्या सोमवार, मान लीजिए सोमवार और मंगलवार, मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार और शनिवार और रविवार, क्या रविवार। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें आपकी क्या संख्या दी हुई है, तो आपके पास सोमवार की संख्या कितनी दी थी उनने 30, कितनी दी थी 30, और मंगल की 35, मंगल की 35, बुध की 40, क्या मंगल की 35 बुध की 40, फिर गुरु की 35 फिर 40, यानी
शुक्र की 40 और शनिवार की 55 और रविवार की संडे की 45। तो अब उनने क्या पूछा है, तो एक सप्ताह में औसत आगंतुकों की संख्या बताइए। क्या इनने इनका क्या औसत पूछा है, तो आइए जोड़ लेते हैं। तो 5 और 5 10 10 15 5 20, कितना 20, 2 बचा। अब क्या 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 4 और 19 5 24, 24 4 28। अब आपको पता है दिन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका 7 में 7 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा, 7 चौके 28 यानी कि 40। तो आगंतुकों की संख्या का औसत कितना हो जाएगा, 40, यानी कि आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या थर्ड नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। क्या कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें, अच्छा क्वेश्चन है, आपसे सॉल्व करें बिल्कुल इसी की तरह जैसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। क्या कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। तो आपके पास क्या था कि निम्नलिखित तालिका में एक कंपनी की 3 क्षेत्रों में 5 वर्ष की बिक्री का वितरण दिया गया है, तो आंकड़े लाख रुपए में है, तो बताइएगा कि वर्ष 1 2 3 4 5, क्या वर्ष आपके पास कितने दिए हैं, वर्ष कितना, 1 2 3 4 और 5, क्षेत्र आपके पास कितने हैं, क्षेत्र 1 क्षेत्र 2 और क्षेत्र 3, क्षेत्र को आप सेक्टर कह सकते हो, तो आपके पास कितने दिए थे, 3 क्षेत्र थे, 5 वर्ष थे, कितने 5 वर्ष थे। तो आइए अब देख लेते हैं, तो आपके पास क्या दिया है कि पहले क्षेत्र में कितना 20 40 40 30 20, कितना 20 40 40 30 और 20, क्या 30 20 40 40 30 20, आपके पास 10 20 40 30 10, 10 20 40 30 10, कितना 10 20 40 30 10। अब आपके पास क्या है तीसरे नंबर पर, 10 25 20 40 35, 10 25 20 40 35, 20 40 और 35, आपके पास यह सारणी थी। तो अब इनने क्या कहा था कि 1 वर्ष से 5 वर्ष की बिक्री में कितने प्रतिशत का अंतर है, कितना 1 वर्ष से 5 वर्ष, यानी 1 वर्ष और 5 वर्ष में अंतर दिया गया, कितने का अंतर, 20 और 30, 20 और 20 40, और ये कितना वर्ष, वर्ष 1 बराबर और वर्ष 5 बराबर कितना आ जाएगा, 20 10, कितना 20 10 30, 30 और 30, 30 और 35 65। तो आपको दिख रहा होगा अंतर कितने का दिख रहा है, इसमें 25 का दिख रहा, कितने प्रतिशत पूछा, किस पे पूछा, 1 से पूछा। तो आइए सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, 5 25 5 8 40, क्या 5 8 40, 4 2 8 और 4 25, 125/2, यानी कि आपका क्या जाएगा, क्या जाएगा, अगर आप इसे भाग देंगे तो 6 2, अब कितना बचा, 1 बचा, यानी 62.5, कितना जाएगा आपका 62.5, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, तो समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। क्या आपसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें, अच्छा क्वेश्चन है, आप उसे सॉल्व करें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। और मैं फिर से कहूंगा कि अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें जो क्वेश्चन से मैं करवा रहा हूं वो आप उसको नंबर डालिए और कमेंट कर दीजिए, तो हम आपको वह क्वेश्चन अगली वाली क्लास में करवा देंगे। क्या अगली वाली क्लास में करवा देंगे। तो आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एबीसी के पास 2 5 7 के अनुपात में रुपए हैं, कितना ए रेशियो बी रेशियो सी, कितना है 2 5 7,
पांच और सात के रेशियो में उनके पास या कुछ रुपए हैं, तो यदि बी के पास ए से 90 अधिक है, क्या बी के पास ए से कितने नंबर कितने अधिक है? 90, यानी कि आपको दिख रहा होगा पांच में से दो जाएगा तो कितना, तीन बराबर कितना दिया 90, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 30, ठीक है दोस्तों, तो एक बराबर क्या 30 हो जाएगा, कितना 30। तो अब हमने क्या पूछा है, तो सी के पास कितने रुपए हैं, तो सी के पास कितने हैं 7, इसका 7 में गुणा करेंगे तो 7 21 यानी कि 210 रुपए, यानी कि सी के पास कितने रुपए हैं 210 रुपए, यानी कि आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये, हमने और सरल क्वेश्चन था ऐसा, जब यह क्वेश्चन हमारा ग्रुप डी 2018 में आया हुआ है, क्या ग्रुप डी 2018 में आया हुआ है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें, सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, क्या अच्छा क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है, क्या अच्छा क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है, यदि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और लोग कर नहीं पाते हैं, सरल क्वेश्चन है, यदि यदि समीकरण 6x-11y+11, क्या दिया आपके पास समीकरण पहला इक्वेशन क्या दिया, 6x-11y+11 = 0 दिया है, क्या 0 दिया है, और फिर आगे क्या दिया है, और 15x+ky-9, 15x+ky और कितना -9 = 0। अब आपको क्या करना है, इनकी तुलना किससे करनी है, अब आप देख लीजिए इसके क्या, इसके लिए हम क्या लिखेंगे a1 इसे b1 और इसे c1, इसे क्या लिखेंगे a2 इसे b2 और इसे c2, क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे a1 और इसे लिखेंगे b1 और c1, फिर a2 b2 और c2 लिखेंगे, और आपके पास क्या लिखा है का कोई हल संभव नहीं है, तो k का मान क्या होगा, तो आपको पता है क्या कर लेंगे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, कोई हल नहीं है तो क्या आएगा आपके पास, बराबर नहीं है c1 बटा c2, आपके पास अब क्या है 6/15 बराबर क्या है आपके पास -11/ क्या के बराबर नहीं है 11/-9 के, क्लियर दोस्तों। अब आपको क्या करना है, इसे हम छोड़ देंगे क्योंकि ये तो बराबर ही नहीं है, कोई संभव नहीं हल होता है, तो आपके पास जे आ जाती है कंडीशन, तो आपके पास क्या होगा, अब इसे आप सॉल्व करेंगे 3 × 6 = 5 × 15, क्लियर दोस्तों, आपके पास क्या आएगा 2k = क्या -55 × 11/55, आपके पास क्या आएगा k की वैल्यू क्या आ जाएगी -55/2, क्या आ जाएगी k की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 55/2, या आप जिसे लिख सकते हैं कितना k की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, अब इसमें आप भाग दोगे तो 2 × 2 = 2, 2 × 4 कितना हो गया 15 हो गया, 2 × 7 = 14.5, यानी कि माइनस का 27.5 आ जाएगी, क्या k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -27.5, यानी कि इसका आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें, सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है बार बार, क्या अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमने करवाया है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन को ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, क्या ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, और उसमें मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप उसे खोलिएगा, इसमें सारे चैप्टर आपको डिटेल वाइज कराए गए हैं, तो आप उन्हें सीख लीजिए, और क्या सीखना क्या है, आप सीख ही लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उन्हें सीखिए, आपको सारे चैप्टर समझ में आ जाएंगे, तो आप इन क्वेश्चनों को भी मिक्स क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्या आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्लियर है दोस्तों। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आपके पास क्वेश्चन, क्या आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा, क्या आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा, तो क्वेश्चन क्या था आपके पास कि 4 वर्षों के लिए, क्या टाइम कितना दिया 4 वर्ष दिया था 4 ईयर, और के लिए रेट कितनी दी थी 7.25 दी थी, कोई धनराशि जमा की गई थी, और आपने एंड में क्या पूछ लिया, उन्होंने
प्रिंसिपल पूछा था, और यहाँ पर क्या दूसरा टाइम क्या दिया था, 6 ईयर्स, कितना 6 ईयर दिया था, और बाकी सब बराबर थे। क्या बराबर थे? तो इनका अंतर कितना दिया था, इनका अंतर कितना दिया था, 435। कितना दिया था, 435। आइए शुरू करते हैं। तो क्या हुआ, P इंटू 6 इंटू 7.5, ये आप लिख लीजिए, सरल कर लेंगे, 7.5 इंटू 6 अपॉन 100 माइनस P इंटू 7.5 इंटू 4 अपॉन 100 बराबर 435। कितना दिया, 435 दिया था। तो आइए सॉल्व करते हैं, आपको दिख रहा होगा P इंटू 7.5 P इंटू 7.25, कितना 7.25 दिया था, कितना 7.25 दिया था। तो अब क्या होगा, एलसीएम लेंगे, अब कितना हो जाएगा 7.25 P इंटू 2, क्योंकि 6 माइनस जहां कॉमन आ गया तो 6 माइनस 4 कितना 2 आएगा, बराबर 435। क्लियर है दोस्तों? अब अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो इनसे क्या 2 जीरो आ जाएंगे, क्या 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए सॉल्व करते हैं। 5 अगर इसे सॉल्व किया तो 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौके 20, 5 25। क्लियर दोस्तों? अगर अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना, 5 से करेंगे तो 20 500, कितना 2000, कितना 4 जीरो से तो आपके पास कितना बचा, 200, कितना बचा, 200 बचा, कितना मतलब 2000 बचेगा, कितना 2000 बचेगा। तो अब आपके पास अगर 5 से फिर करेंगे तो 5 × 10 = 45, 5 से करेंगे तो 5 × 20 = 400 बचेगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना 200 बचेगा। क्लियर दोस्तों? अगर 29 से 435 को सॉल्व करेंगे तो कितना 15 बार जाएगा, कितना 15 बार। तो अब पी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 15 × 200, तो आपके पास कितनी आ जाएगी, 3000, कितनी आ जाएगी, 15 × 30, यानी कि 30000 आ जाएगी, यानी कि आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो मेरे साथ समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें, और सही से पढ़िएगा और हम आराम से समझिएगा। हमें अपने कोई जल्दी नहीं है, लेकिन इतने भी धीमे नहीं होना है कि हमारे क्वेश्चन भी छूट जाए, क्या इतना भी धीमे नहीं होना है कि हमारे क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है दोस्तों? तो क्या है क्वेश्चन आपके पास, आपने पढ़ लिया होगा, आपकी स्क्रीन पर है, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन और आपने पढ़ लिया होगा, क्या पढ़ लिया होगा, सरल क्वेश्चन है, क्या सरल क्वेश्चन है, क्या किया हमने, 24 कैरेट सोना 100% छूट है। क्या बोल दिया हमने, 24 कैरेट का गोल्ड है जो क्या है 100%, क्या 100% प्योर है, क्या 100% प्योर है। तो अब उनने क्या किया कि 22% बराबर बताइएगा, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 100 अपॉन 24, तो 22 बराबर कितना पूछा है 100 अपॉन 24 × 22, क्या आ जाएगा 100 अपॉन 24 × 22। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 11 बार जो हमारा 12 बार, क्लियर, 4 से 3 बार और जो 4 से 25 बार, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 और 2 27/3, कितना आएगा 275/3, यानी कि आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें, क्या कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। सरल क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है 2018 ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या 2018 की ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, और ज्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं, और इतना समझ लीजिए कि हमारे जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें से आपको कितने 20-15 क्वेश्चन आपको सरल मिलेंगे, कितने सरल मिलेंगे 15 क्वेश्चन, और फिर 10 क्वेश्चन आपको क्या एवरेज मिलेंगे, और 5 क्वेश्चन आपको हार्ड मिलेंगे, क्या 5 क्वेश्चन हार्ड मिलेंगे, 10 क्वेश्चन एवरेज मिलेंगे, और 15 क्वेश्चन आपको क्या सरल मिलेंगे, क्या सरल मिलेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपने उसे पढ़ लिया होगा। तो क्या था हमारे पास, यदि किसी एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 34% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है,
तो उसमें 45, तो 45 में से उत्तीर्ण अंक क्या होंगे, यानी आपके पास कुल कुल अंक कितने हैं? 45 है क्या? 45 है क्या? 45 है कुल अंक, 45 है, यानी कि 100% आपके क्या, 100% 45 अंक है। तो उन्हें क्या कहा, 34% अंक होंगे तो क्या होंगे, पास हो जाएंगे। क्या? पास हो जाएंगे 34 अंक से। तो आपको पता है कि 100% बराबर कितना दिया है, 45, कितना दिया है, 45 दिया है। तो 1% बराबर क्या होगा, 45/100। क्लियर दोस्तों? अब उन्हें क्या पूछा, तो 34 अंक बराबर क्या होगा, 45/100 × 34 यानी 34। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 45 × 20 = 500। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 10 बार और जी 17 बार, क्या 17 बार। तो आपके पास 17 नंबर में कितना होता है, 153। 153/10 तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15.3, क्या आएगा, 15.3। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 15.3, यानी कि आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें, या आपसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें, सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है आपके पास क्वेश्चन, थे आपने पढ़ लिया होगा, उम्मीद कर रहा हूं आपने समझ भी लिया होगा और कर भी लिया होगा। क्या है, पूनम 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है और पाती है कि उसकी यात्रा का 5/7 भाग अभी भी तय किया जाना बाकी है। क्या तय किया जाना बाकी है, तो उसकी कुल, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी है? क्या अगर उसने 28 किलोमीटर चल लिया, अगर उसने 28 किलोमीटर चल लिया फिर भी उस पर कितना, 5/7 भाग रह गया, यानी कि अब आप समझ लीजिए, तो अब आप समझ लीजिए कि 5 में से कितना 7 में से 5 भाग अभी नहीं चला गया, यानी 1 - 5/7 मतलब कि उसने कितना चल लिया, तो उसके द्वारा चला, यानी कि 1 भाग है उसमें से 5/7 भाग चला नहीं गया है। तो चला कितना गया होगा, 7 - 5/7 यानी कि 2/7 उसने चल लिया, यानी कि 7 में से 7 टोटल भाग है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या होता है, मूल, यानी कि मूल यानी जो मूल मान दिया होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कुल भाग कितना है, कुल 7 है, 7 में से चल कितना गया हमारे पास, चला गया कितना है, 2। तो आपको 2 की वैल्यू कितनी दी है, 28। तो आपको 2 की वैल्यू कितनी दी है, 28। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 14। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, चलो सकते हैं 98। तो कुल दूरी कितनी होगी, 98 किलोमीटर। तो कुल दूरी 98 किलोमीटर होगी। मेरे साथ समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो दोबारा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, पूनम थी उसने 28 किलोमीटर दूरी तय की और फिर भी उसका कितना, 5/7 भाग रह गया, शेष रह गया कितना, 5/7 भाग, यानी कि 7 मूल भाग था, या 7 मूल भाग यानी कि जो उसके द्वारा चला गया कुल, यानी कुल उसकी दूरी कितनी थी, 7, और उसने कितना, 7 में से अगर 5 नहीं चला तो चला कितना होगा, 7 में से 5 जाएंगे तो 2, हमने आपको घटा के बता दिया, तो कितना होगा, 2/7, यानी कि 7 में से 2 चला गया है, तो 2 चला गया यानी 2 कितने के बराबर था, 28 के, तो 1 कितने के 14 के, तो टोटल कितना था, 7। तो 7 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा, 98 किलोमीटर। तो 98 किलोमीटर की दूरी थी कुल। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। क्या आप इसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें, और जो मैं करवा रहा हूं, जो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है, क्या जितने भी आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं वो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है। क्या प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है,
तो आपके पास क्या है क्वेश्चन, आपके पास 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या 11 नंबर क्वेश्चन, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि मीनू एक दूध की दुकान चलाती है, क्या मीनू एक दूध की दुकान चलाती है और यहाँ उसके व्यय का विवरण दिया गया है, यानी उसने कितना व्यय किया यानी खर्च किया गया है, तो वह आय का 80% खरीद पर, क्या उसके पास कुल कितना था, कुल उसके पास कितना था 100 था, 100% था। अब उसने क्या किया, खरीद पर कितना कर दिया 80%, तो कितना बचेगा आपके पास 80 कर दिया तो 20% बचा, क्लियर। तो खरीद पर कितना कर दिया 80%, तो बचा कितना 20%, तो 20% दुकान के किराए और बिजली के बिल पर खर्च किया, क्या जो 20% है वो कितने पर, किराए पर, किराए पर और बिजली खर्च पर, बिजली के बिल खर्च पर किया। तो अब इसमें क्या कहा गया है आगे, तो आगे कहा गया है कि प्रति माह है 13,000 किराए और बिजली पर, यानी कि जो 20% है, 20% बराबर कितना दिया 13,000 रुपए, वो कितने पर करती है किराए पर और बिजली खर्च पर, यानी कि 20% वो कितना 20% करती है किराए पर, यानी किराए पर और बिजली खर्च पर, यानी और किराए पर वो कितना करी 13,000, यानी 20% बराबर कितना दिया है 13,000। तो अब 1% बराबर कितना हो जाएगा 13,000 बटा 20, 13,000 बटा 20। अब उन्हें आगे क्या कहा है, आगे कहा है उन्हें तो बताइएगा कि खरीद पर उसका बिल कितना खर्च था, खरीद पर कितना था, खरीद पर था जी हमारा 80%, तो हम 80% बराबर कैसे निकालेंगे 13,000 बटा 20 गुणा 80। अब 20 चौके 80, 13 चौके 52, तो उसका कुल यानी खरीद पर खर्च कितना था, खरीद पर खर्च था 52,000 रुपए, यानी कि आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स पर उसका आंसर दें। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, क्या क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया हो तो आइए देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम सॉल्व करेंगे। क्या कहा उन्होंने पहले, शशांक एक व्यापारिक कंपनी चलाता है, कि शशांक है जो क्या करता है, एक व्यापारी कंपनी चलाता है और जिसमें वह अपनी आय का दी गई तालिका में कंपनी के 5 वर्षों की आय का विवरण दिया गया है, कितना 5 वर्ष विवरण दिया गया है आय का, यानी वार्षिक आय, वार्षिक आय किसमें दी है, लाख रुपए में, कितने लाख रुपए में आपको दिया गया है, कितने का आप देख लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5, क्लियर दोस्तों। आपके पास क्या दिया गया, 2012, 13, 14, 15, 16, 2012, 13, 14, 15 और 16, क्लियर। तो आपके पास कितना दिया गया, 12.5, 12.5, 13, 12.5, सॉरी कितना दिया यहाँ पर 13, 12.5, अब आपके पास कितना दिया है 14। तो अब उन्हें नीचे क्या कहा है, तो परिवर्तित लागत पर शशांक अपनी फर्म का प्रबंधन करने के लिए प्रतिवर्ष औसत कितना खर्च किया, कि औसत कितना खर्च किया, औसत पूछा है 12 और 12, 12 5, 25 और 13 26, 26 और 25 25 और 13 26 और 25 और 13 26 और 25 और 13 26 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 और 13 26
परिवर्तन, कितना खर्च किया, कितना खर्च किया उसने। अब आपने जो हमारा उत्तर निकाला गया था, अब उसने क्या कहा कि अब उसने कितना खर्च किया। अब अगर हम इसमें 5 का भाग दे देंगे तो कितना होगा, 5 का भाग कर देना
पांच दूनी दस और पॉइंट पांच यानी तीन बजाता तो जीरो हो जाएगा, पांच छक्का 30, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2.6, 2.6 यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्या सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा? ठीक है, तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या फिर आपको यहाँ पर कितना दिया था 20%, 20% दिया था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था कितना 1/5, 20% मतलब क्या था 1/5। अब आपको 13/5 करेंगे, 13/5 का 1/5 करेंगे तो कितना आएगा 2.6 ही आएगा। क्या 2.6 ही आएगा? कितना 2.6 ही आएगा, 2.6 ही आएगा। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। क्या कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप इसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। अच्छा क्वेश्चन है भैया, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। क्या अच्छा क्वेश्चन है, आप सॉल्व करें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। तो क्या है आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन है एक साइकिल कंपनी को दो ब्रांड की साइकिलों को एक ही दिन में बेचकर 6,000 का लाभ कमाता है। यानी कि मान लीजिए दो साइकिल, एक साइकिल ए और एक साइकिल आपके पास बी है। अब इन दोनों को वो बेच रहा है तो कितने का 6,000 रुपए का लाभ कमाता है। क्या 6,000 रुपए का लाभ कमाता है? तो यदि एक ब्रांड की बिक्री अर्जित लाभ का 45% है तो दूसरे ब्रांड की साइकिल की बिक्री का अर्जित लाभ कितना होगा? तो यानी कि मान लीजिए ए है जिसके क्या 45% लाभ मिलता है ए पर। क्या ए पर मान लीजिए 45% लाभ मिलता है तो बी पर कितना मिलेगा? तो बी पर कितना मिलेगा 55%। तो क्या 55% मिलेगा, तो दूसरे ब्रांड की साइकिल की बिक्री द्वारा अर्जित लाभ कितना होगा? तो आप निकाल लीजिए 6,000 रुपए का 55%। क्या दो जीरो पे दो जीरो, जीरो का जीरो, 56 36, 56 30, 30 और 3 33। तो दूसरी साइकिल पर उसने कितना ब्याज, कितना लाभ अर्जित किया? तो दूसरी साइकिल पर उसने लाभ अर्जित किया 3300। यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इस वाले क्वेश्चन का बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। क्या आप ये सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। अच्छा क्वेश्चन है, आप सॉल्व करें। अच्छा क्वेश्चन है, आप ये सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। अच्छा क्वेश्चन है, क्या है आपके पास क्वेश्चन है आपके पास, एक थैली में लाल हरे एवं गुलाबी रंग की टोकन रखे गए हैं। क्या आपके पास है लाल हरे और गुलाबी रंग के क्या टोकन रखे गए हैं? क्या टोकन रखे गए हैं? तो आगे क्या है, लाल एवं हरे टोकन का अनुपात यानी कि रेड एवं ग्रीन का अनुपात कितना है? आपके पास रेड एंड ग्रीन का आपके पास अनुपात है 5:11। अब आपके पास क्या दिया गया है, तो जबकि गुलाबी एवं लाल टोकन का अनुपात, जबकि गुलाबी यानी कि पिंक और रेड का अनुपात कितना दिया गया है? रेड का अनुपात आपको दिया गया 7:15 दिया गया है। तो अब बताइए कि तो हरे एवं गुलाबी टोकन का अनुपात पूछा है। क्या हरे और गुलाबी आपको दिख रहा होगा कि हमारे क्या, हमारे अगर आर आर एक साइड होंगे तो हम उन्हें क्या आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ग्रीन अनुपात रेड बराबर 11:5 और रेड अनुपात पिंक बराबर 15:7। क्लियर? अब उन्हें क्या पूछा है, अब उन्हें क्या कहा है कि हरे एवं गुलाबी का, तो हरे एवं गुलाबी का हम क्या कर लेंगे, तो अब इसका इसमें बड़ा करेंगे और इसका इसमें कर लेंगे, तो आपके पास हरे और गुलाबी का आ जाएगा।
और अगर आपको रेड का भी चाहिए तो आप इसका भी गुणा कर लीजिए। तो आप हमें क्या ग्रीन और पिंक का ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 11 11 गुणा 15, क्या 11 गुणा 15 अनुपात 5 गुणा 7। तो आप इसे सॉल्व करें, 5 एक 5, 5 3 15, यानी कि 33 अनुपात 7। तो कितना आ जाएगा, 33 अनुपात 7, यानी कि आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यह रेशियो का सबसे सरल क्वेश्चन था, क्या रेशियो चैप्टर का सबसे सरल क्वेश्चन था। मैं फिर से कहता हूं कि अगर आपको डिटेल से पढ़नी है तो आप पढ़ ही लीजिए डिटेल से, वो हमारी प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। या आप डिटेल से पढ़ लीजिए, वो हमारी प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, तो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास, आप सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। क्या क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए, क्या कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास रुखसाना, क्या रुखसाना एक लड़की है, वो क्या 6 किलोमीटर पर आवर की गति से अपने घर से शहर की हो जाती है, यानी कि अपने घर से वो क्या 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शहर जा रही है, क्लियर दोस्तों। फिर क्या कर रहे हैं वो, फिर क्या कर रही, लेकिन उसी रास्ते से वापस आते समय उसकी गति 5 किलोमीटर है, यानी उसी रास्ते से वो क्या 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, ठीक है दोस्तों। अब आप समझने वाली बात इसमें है कि आने जाने में उसे कुल कितना समय लगा, 16 सही 1/2 घंटे। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 16 दूनी 32, क्या 16 दूनी 32 33, 33/2 घंटे लगे उसे, क्या आवर्स लगे। अब आपको इतना करना है, क्या आपको अब सॉल्व करना क्या है, 1/5 + 1/6। अब प्लस हमने इसलिए किया, इसमें बता रहा हूं इसलिए किया कि पहले वो जा रही थी और फिर आ रही थी, अगर एक ही साइड को जाती हैं तो माइनस होता है, और अगर इधर से आती और जाती हैं तो आपको क्या होता है प्लस हो जाता है, और एक ही साइड को जाती हैं तो माइनस हो जाता है। आप रेलगाड़ी देख लीजिए यानी ट्रेन देख लीजिए, और आप समय दूरी देख लीजिए, तो आपको वही सब तरीका मिलेगा। तो हमारे पास क्या कर लिया हमने, या तो आप इसे एक्स मान लीजिए या एक ही मान लीजिए, तो हम क्या इसे एक्स मान लेते हैं, क्या एक्स मान लेते हैं, क्लियर दोस्तों। तो आपके पास अब क्या आ गया, 6 और 5 का एलसीएम कितना 30 आएगा, तो आपके पास क्या होगा, 5 एक 30 और 6 5 30, यानी कि आपके पास क्या 33/2। अब आपके पास 6 और 5 कितना आ जाएगा, 11x/30 = 33/2, 2 से 30 को काटेंगे 15 बार, 11 से 30 काटेंगे 3 बार, तो आपके पास कितना आएगा, 15 की 45। तो उसकी दूरी हमने क्या x मान लो, क्या x मान लेते हैं, तो यानी x ही बराबर रखी थी यानी 1 बराबर, तो आपके पास क्या उसकी कुल दूरी कितनी आ जाएगी, 45 किलोमीटर। तो उससे कि घर से शहर तक की दूरी कितनी है, 45 किलोमीटर है, कितनी है 45 किलोमीटर है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि आपका इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें, क्या सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। तो क्या है आपके पास क्वेश्चन, तो आपके पास क्वेश्चन है दोस्तों, क्या क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि जब दो रेलगाड़ियां 40 किलोमीटर पर आवर्स और 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विपरीत दिशा में चलती हैं, क्या विपरीत दिशा में चलती हैं, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी, क्या तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, क्या लंबाई कितनी होगी, तो कितनी होगी लंबाई, तो आपको देखा होगा क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या
क्लियर दोस्तों। अब उन्हें क्या स्पीड कितनी दी है, 40 + 32 प्लस, इसलिए होगी क्योंकि आपको पता है कि आपस में एक जा रही है एक आ रही, विपरीत दिशा में क्या होती है, प्लस होती है। अब आपके पास क्या है, एल अपॉन यानी लंबाई पूछी है और आपके पास अब क्या दी है, समय कितना दिया, 15 सेकंड। अब आपको पता है एक बात ध्यान रखने वाली होती है कि जे हमारी स्पीड कितनी किलोमीटर पर आवर में दी है और जे हमारे पास कितना दिया मीटर पर सेकंड में। तो अब आपको क्या करना है, 5/18 से गुणा कर देना है तो जे भी हमारी मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, 40 और 32 72 गुणा 5/18 बराबर एल अपॉन 15। क्या एल अपॉन 15, तो 18 चौके 72 कितना, 5 चौके 20 20 यानी 20 × 15 यानी 300। तो एल तो यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर आ जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें, क्या कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। अच्छा क्वेश्चन है, क्या अच्छे क्वेश्चन है और अपने एग्जाम में आने की संभावना है, क्या यह क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने की संभावना है, क्या है संभावना है। अब आपको देखना है कि एक दुकानदार ने 6245 रुपए को 52 के बजाय 62 से गुणा कर दिया और उसका उत्तर सही, तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक आया, तो कितना अधिक आया। अब आपको दिख रहा होगा क्या था, उसे 52 से गुणा करना था लेकिन उसने क्या किया 62 से कर दिया, क्या 62 से कर दिया, तो यानी कि उसने कितना अधिक से कर दिया था, यानी कि 10 अधिक से कर दिया था। कि 52 से करना था कि 52 से उसे गुणा करने को कहा गया था लेकिन 62 से कर दिया था। क्लियर दोस्तों। तो क्या 62 से कर दिया था, कितने में कर दिया था, 6245 में। तो अब आपको कितने ज्यादा कर दिया था, 10 से, तो कितना अधिक आ जाएगा, 10 का इसमें गुणा कर देंगे 6245, कितना था 6245 यानी कितना आएगा 62450। तो उसका अधिक अंतर कितना आएगा 62650, कितना 62450, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे लंबे तरीके से करते तो क्या करते, इसमें 6245 का इसमें गुणा करते और इसमें क्या करते, 6245 का इसमें गुणा करते और इसमें से क्या इस 6245 इसमें गुणा करते इसका और इसमें इसका गुणा करते और फिर इससे इसको घटा देते जब आपका अंतर आता। तो हमने क्या किया, इन दोनों का अंतर कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, तो ज्यादा आ रहा था तो इतना ज्यादा आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का एक अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का अच्छा क्वेश्चन है जी, हमारे 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और एनटीपीसी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी और ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, आप सही से पढ़ लीजिए, क्या आप क्वेश्चन सही से पढ़ लीजिए और उसे समझिएगा और उसे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। आप समझिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा, क्या कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। और आपका यह आखिरी क्वेश्चन रहेगा, क्या और आपका यह आखिरी क्वेश्चन रहेगा, क्या आपका यह आखिरी क्वेश्चन है। तो क्या है आपके पास क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 60 पुरुषों के लिए 35 दिन रुकने की व्यवस्था है, क्या है 60 व्यक्तियों को कितने 35 दिन रुकने की व्यवस्था है। चलो ठीक है, अब आपके पास बराबर में क्या आ जाएगा कि 10 दिन बाद, यानी कि 60 आदमी हैं, उनने 10 दिन तक तो पूरा किया ना, 10 दिन तो पूरे किए। अब उनने क्या किया कि बात छात्रावास में 15 पुरुष और आ जाते हैं प्लस 60 पुरुष थे, सॉरी क्या थे 60 पुरुष थे, तो 15 आ जाएंगे 75। अब कितने दिनों के लिए हमें नहीं पता, हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया, क्या एक्स मान लिया। क्लियर दोस्तों। अब कितना आ जाएगा 6×5=30
और 6 3 18 18 3 21, आपके पास कितना जाएगा 600 प्लस 75x। अब इसे आप माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 1500 बराबर 75x। अब इसे करेंगे तो कितना जाएगा 15 15 15 15 5 75, यानी कि x बराबर कितना 20। तो अब कितने दिन तक वो चलेगा, 20 दिन तक खाना वो चलेगा। कितने 20 दिन तक खाना वो चलेगा, यानी कि आपका ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो गया। क्या ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा तो मेरे साथ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो दोबारा देख लेते हैं, क्या दोबारा देख लेते हैं। तो हमने तो क्या कहा था, एक छात्रावास में 60 पुरुष थे और उनकी 35 दिन की या 35 दिन के रुकने की व्यवस्था थी, 35 दिन की रुकने की व्यवस्था थी। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि 10 दिन बाद, क्या 10 दिन बाद कितने 15 व्यक्ति आ गए, यानी कि 10 दिन थे, 60 व्यक्ति 10 दिन तक तो रुके ही है, तो हमने 10 का गुणा कर लिया 60 में, तो 600 आ गया। और उन्होंने क्या कहा 15 दिन बाद 15 व्यक्ति आए थे, यानी कि इसमें क्या 60 थे और 15 आ गए, यानी 75 आदमी हो गए। अब हमें नहीं पता कि अब कितने दिन की रुकने की व्यवस्था बची, तो हमने क्या मान लिया एक्स दिन की व्यवस्था बची। क्या एक्स दिन की व्यवस्था बची, तो हमने सॉल्व किया तो एक्स बराबर कितना 20 आ गया, यानी 20 दिन की आपकी व्यवस्था बची। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कहीं पर भी अगर आपको कोई से भी क्वेश्चन में दिक्कत आई है तो आप हमें कमेंट करिए। और अगर आप से मैं कह रहा हूं, अगर इन क्वेश्चनों में से अगर 20 में से आप 15 भी सॉल्व कर लेते हो तो आप किस क्या आपकी स्थिति अच्छी चल रही है, यानी पढ़ाई स्टडी आपकी अच्छी चल रही है, यानी आपके चांस हैं कि आपके चांस बनते हैं अगर आप इसी तरह से पढ़ाई करते रहे। तो आप अच्छे से पढ़िए, और मैं कहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सक्सेस फिक्स से जुड़ जाइए दोस्तों, जिससे कि आपके आने वाले समय में आपका ही फायदा होने वाले हैं। इसमें हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की क्लासें होने वाली हैं, क्या क्लासें होने वाली हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।